उतनी जरूरत नहीं, मैं बस सिर्फ एक करिश्मे की बात बताना चाहता हूं। एक करिश्मा है आपके अंदर, लोग कहते हैं और वो दिखता भी है कि चाहे शरद पवार हो, चाहे राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, अहमद पटेल हो, अरविंद केजरीवाल हो, सब आपके दोस्त हैं, ऐसा क्या है? सर मुझे लगता है राजनीति अलग है और इंडिविजुअल रिलेशनशिप अलग है। मैंने जो सीखा है वो मैं रिलेशनशिप को कभी राजनीति से जोड़ता नहीं और राजनीति के लिए कोई रिलेशनशिप करता नहीं। अगर कोई किसी भी पार्टी में हो, उसके अच्छे दिन हो या बुरे हो, दोस्त दोस्त होता है। तो ये दोस्त काम भी आ जाते हैं? ये दोस्त काम भी आते हैं पार्टी, अक्रॉस दी पार्टी में? मैं काम के लिए दोस्ती नहीं करता। नहीं, लोगों ने कहा कि लोगों ने कहा कि अगर थोड़ा सा मुख्यमंत्री मामला आप होता तो महाराष्ट्र में कुछ और होता। दोस्ती कैलकुलेशन से होती नहीं, दोस्ती नेचुरल अफेक्शन से होती है। और मेरे राजनीति में जो भी मित्र है, मैंने दोस्ती कोई कैलकुलेशन से कभी करता नहीं और मुझे करना भी नहीं है। जो दोस्ती होती है वो दोस्ती होती है और इसलिए उसको निभाना कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं आया। पिछली टर्म में बात करें तो आप टॉप परफॉर्मर, तो इस बार कुछ धीरे धीरे चल रहे हैं क्या कुछ? वो आप ही लोग कभी टॉप बोलते हो। नहीं नहीं, वो तो सब था बराबर, सब चैनल स्क्रीन पे सब पे थे, आप छाए हुए भी थे, बड़ी चर्चा भी थी। देखिए, इस बार मार्च तक हम 2 लाख करोड़ के काम अवार्ड कर देंगे, अगले साल 3 लाख करोड़ के करेंगे और पिछले 5 साल में मेरे पास शिपिंग पोर्ट और नमामि गंगा और वाटर रिसोर्सेस था, इस बार मेरे साथ एमएसएमई है। तो मैं इस साल भी 15 लाख करोड़ के रोड के काम 5 साल में करूंगा और कोशिश तो एक है। आपने डेट दी थी कि गंगा नहाने योग, आचमन योग, अगर वर्ड यूज है, आचमन योग्य हो जाएगी, वो हो जाएगी ना उस डेट तक? हुई, हो जाएगी नहीं हुई। अगर हम अगर गंगा अच्छा नहीं करते तो प्रियंका जी पानी थोड़ी पीते। और आपको पता नहीं कि जितने लोग इस बार करोड़ों लोग जो कुंभ में गए थे, वो गए हुए लोगों को आप पूछो, खुद गंगा में उन्होंने अविरल भी थी, निर्वल भी थी, लोगों ने आचमन भी किया। और मैं जब गया तो साधु संतों ने बुलाकर हमारी सरकार का, हमारा सबका गौरव किया। नीति जी, फिर भी काम जो है जी वो पूरा नहीं हुआ है। 270 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से 40-45% प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, करीब 30-35% प्रोजेक्ट पर काम शुरू है और 10-15% प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। क्या बात है कि जब आप कंपेयर करते हैं तो हमेशा गांधी परिवार को ही कहते हैं कि वो ही जो था उसने देखिए आचमन किया, ये एक मतलब वो पैरामीटर है कोई? आपका विश्वास बैठता है इसलिए कहा। इसका कारण जब जलमार्ग हमने बनाया जी, अभी इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से वाराणसी ये बनाया 1 फीट का ड्राफ्ट, वाराणसी से हल्दिया 3 मीटर का ड्राफ्ट और हल्दिया से फिर बंगाल की खाड़ी है और फिर ब्रह्मपुत्रा में पूरा 3 मीटर का ड्राफ्ट, फिर बाराक में किया जी, और बांग्लादेश में जाकर हमारे डिपार्टमेंट ने उस समय मुंगली और चितगांव पोर्ट का भी ड्रेजिंग कर दिया। अब आपने बांग्लादेश का नाम, आगे की बात आपके काम की है। अब हम गंगा पर काम कर रहे थे तो गंगा की 40 उपनदियां और नालों पर भी काम कर, यमुना पर काम कर रहे हैं जी। दिल्ली की सरकार के सहयोग से हम दिल्ली को जल प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 6,000 करोड़ के 13 प्रोजेक्ट कर रहे, काम चालू है। और दिल्ली में 50,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूं एयर पोल्यूशन से मुक्त करने के लिए। तो अब प्रयास ये है कि मैंने DPR तैयार करके वर्ल्ड बैंक को सबमिट किया है 12,000 करोड़ का, कि यमुना से ड्रेजिंग करके दिल्ली से हमारा शिप निकलेगा मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से इलाहाबाद। तो दिल्ली से मारुति की गाड़ियां नॉर्थ ईस्ट म्यांमार तक, बांग्लादेश तक एक्सपोर्ट होने के लिए पानी के ऊपर अब जा सकती है। केवल दिल्ली, इसमें तो दो राय नहीं कि पिक्चर जितनी बढ़िया खींचते हैं आप, उतनी बढ़िया पिक्चर तो शायद कोई खींचता हो। इवेंट मैनेजमेंट के बेहतर 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 आदमी में मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं। मैं आपका इंटरव्यू, अच्छी बात है, मैं आपका इंटरव्यू लेता हूं जी। नहीं नहीं, क्योंकि मैं आपसे पब्लिक को भी पूछता हूं, मैं जो पिक्चर खींच रहा हूं और जो मैं बता रहा हूं वो मेरे कहने के बाद कौन सी बात नहीं हुई, कोई खड़ा होकर मुझे? मैंने तो पहले कह दिया कि आप में करिश्मा है। मैं केवल पिक्चर नहीं दिखता दिखाता,
मैं केवल सपने नहीं दिखाता, दिखाए हुए सपने को पूरे करके दिखाता हूं, वही सपनों की चर्चा करता हूं। अच्छा एक बात बता दीजिए, कौन सपने दिखाता है? कौन सपने दिखाता है? आपने कहा मैं नहीं सपने दिखाता, तो कोई सपने दिखाता है क्या? देखो सपने दिखाना होता है, पर दिखाए हुए सपने अगर हम पूरे नहीं करते हैं तो फिर लोगों में हमारे प्रति नाराजगी होती है। मैं कोई भी बात हवा में नहीं करना चाहता हूं, मैं 100% जो हो सकता है उसको हाँ कहता हूं, जो नहीं हो सकता उसको नहीं कहता हूं, जो हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। तो नागरिकों तक सही जानकारी क्यों नहीं पहुंच पाई? नागरिकता कानून को लेकर थी, तो सारी चीजें आपके पास हैं, कंट्रोल है, तो क्यों नहीं पहुंची? नागरिकता कानून ये विषय अलग है जी, और मैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के बारे में जो कुछ मैं आऊंगा उस पर भी आऊंगा, लेकिन आप जिम्मेदार हैं, नागरिकता है। नागरिकता कानून में ऐसा है जी, जो लोग समझकर समझते हुए भी ना समझ है, या हमारे यहां कहा जाता है कि जो लोग नींद लेने का ढोंग रच रहे हैं उनको जगाना मुश्किल है। सच्चाई यह है कि संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विशेष रूप से पाकिस्तान से या बांग्लादेश से जो हिंदू हमारे देश में आते हैं, बौद्ध आते हैं या कहीं सिख आते हैं, जैन आते हैं, तो उनको हम रेफ्यूजी कहते हैं और शरणार्थी कहते हैं जी, और जो बाकी धर्म के जो लोग आते हैं उनको हम स्वाभाविक रूप से विदेशी नागरिक है। क्योंकि आपको पता ही होगा, कल अमित भाई ने भी बताया था कि युगांडा से या कहीं से जिन हिंदुओं को निकाल दिया उनको आधार उसी समय कांग्रेस सरकार ने भारत में उनको अपने नागरिकत्व करके दिया है। हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं है, सिखों के लिए कोई देश नहीं है, और इसलिए कहीं अगर उनसे निकाला जाएगा तो यही आएंगे। मुसलमानों के लिए देश है, अनेक मुस्लिम राष्ट्र है, और उन्होंने जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ तो पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया, पर हमने हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया। और उस समय महात्मा गांधी जी से लेकर वल्लभ भाई पटेल से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक सबने कहा कि अगर पाकिस्तान में अगर वो उनको लगता है कि हम सुरक्षित नहीं है तो हिंदुस्तान में कभी भी आ सकते हैं, और इसलिए ये निर्वासित है, शरणार्थी है, वो मजबूरन आए हुए हैं। और सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी की जो संख्या थी पिछले 50 साल में, वो देखो आप, एक समय 22-23% थी, जो 2-4% पे आई है। इसका मतलब एक तो लोग वहां रह नहीं सकते या वहां सुरक्षित नहीं है, और अगर वहां से वो आना चाहते हैं आधार करने के लिए शरणार्थी के रूप में, तो हिंदुस्तान के संविधान में ये प्रोविजन है कि उनको हम लोग नागरिकत्व दे सकते हैं और उनको देश में बसा सकते हैं, उनका रक्षण करना। यहीं पे कंफ्यूजन हुआ और विपक्ष ने इसी बात को बार बार कहा, उसने कहा कि अगर आपने सिर्फ शरणार्थी शब्द लिख दिया होता तो काम ठीक था, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब आपने 6 धर्मों का जिक्र कर दिया उसमें तो आपने कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर। सर आप सच्चाई को समझो कि वर्ल्ड में हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान को छोड़कर एक नेपाल था, वो भी अब नहीं रहा, पर देश में मुसलमानों के लिए इस देश में आज काफी नहीं, 100-200-400 राष्ट्र होंगे जो मुस्लिम राष्ट्र है, इस्लामिक स्टेट्स है, तो नेचुरली उनको वहां जाने का अधिकार भी है और वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ईरान, इराक, दुबई, दोहा, कतर की बात छोड़ दो, पर सऊदी की बात करो तो वहां नेचुरली उनके संविधान में लिखा हुआ है कि वर्ल्ड में से अगर कोई मुस्लिम उसको अगर आधार लेना है, आश्रय लेना है, तो वो ले सकता है, पर उनके संविधान में सिख के लिए लिखा नहीं है, हिंदुओं के लिए लिखा नहीं है, स्वाभाविक रूप से क्योंकि वो इस्लामिक राष्ट्र है। तो हमारे देश में हम हिंदू यह संकुचित शब्द नहीं है, जो 47 के पहले से जो मुसलमान इस देश में रह रहे हैं वो हमारे हैं, भारतीय हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने का सवाल ही नहीं उठता। लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमान भी तो यहीं से गए थे। नहीं सुनो, आप मेरी बात पूरी समझो, जो फखरुद्दीन अली अहमद साहब जब आसाम से चुनाव लड़ते थे तो एक चुनाव के बाद, मैं 7-8 चुनाव के पहले की बात कर रहा हूं, आसाम का आंदोलन क्यों हुआ, अचानक ये ध्यान में आया कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 40%, 50%, 60% लोग बढ़े हैं। फिर पता चला कि ये कैसे आए लोग, इतने बड़े तो बढ़ नहीं सकते। तब ध्यान में आया कि बांग्लादेश से बड़े प्रमाण पर घुसपैठी अपने देश में आए, इसके साथ बांग्लादेश के सरकार का कोई संबंध नहीं है,
गरीबी के कारण हो, बाकी भी समस्याओं कारण लोग आए। अब प्रश्न ये है कि वर्ल्ड में किसी भी देश में, अभी लीबिया से जर्मनी और फ्रांस में लोग जा रहे हैं, वहाँ उन देशों ने भी भूमिका ली कि हम विदेशियों को नहीं आने देंगे। अब ये तो स्वाभाविक बात है कि हमारे देश में विदेशी लोगों को हमने लाना, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनको वोटिंग राइट्स देना, फिर ऐसे विदेशी लोगों ने चुनकर पार्लियामेंट और विधानमंडल तक पहुंच जाना, मंत्री बनना, प्रॉपर्टी खरीदना, फिर यहाँ के जो हिंदू और मुसलमान जो 47 के पहले है उनके रोजगार है तो ज़्यादा लोग आने से उनके रोजगारों को छीनना, ये किसी भी देश को एक्सेप्ट नहीं होगा। और कहा कि लगभग 3 करोड़, हाँ? अगर आपने कहा वह आंकड़ा आया अभी कुछ देर पहले कि 3 करोड़ लगभग हिंदू हैं, तो इतने लोग अगर यहाँ आएंगे या आने लगे, हालांकि कट ऑफ डेट है आपकी 31 दिसंबर 2014 कट ऑफ डेट है, लेकिन अगर आएंगे तो नौकरी का लेकर क्या करेंगे आप? और अपने यहाँ के लोग जो है उनका अधिकार क्या? मुझे लगता है इस विषय के बारे में हम भारत के संविधान का और उस समय जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर तक सबने संविधान में क्या प्रोविजन किए उसका अगर अध्ययन करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो लोग शरणार्थी है अभी कश्मीर में, ऐसे हिंदू निर्वासित है, उनको मतदान का अधिकार नहीं है, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, उनको नौकरी नहीं लग सकती, उनको कुछ नहीं है, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उनको नागरिक सुविधाएं भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ना कि आप पहले ये करते, यहां से जो हिंदू थे कश्मीर से उनके माइग्रेशन को वापस करते, आप पहले उस पर काम करते फिर उनको वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए, आपका कहना नहीं कश्मीर वैली, हाँ कश्मीर हिंदू जो कश्मीरी पंडित है उनको उन पे पहले काम होना चाहिए था। देखो ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि हम लोग हमारे देश में बसे हुए मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, आप एक पहली बात ठीक प्रकार से समझिए। हम लोग जिनके विरोध में जो इलीगली दूसरे देश के नागरिक है वो हमारे देश में विदेशी घुसपैठी करके आए हुए हैं, उनके खिलाफ हमने ये सिटीजनशिप का बिल लाया, तो एनआरसी तो था उसमें। मुझे बताओ ये क्या है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। कांग्रेस ने आज तक ये किया है कि आसाम में जितने मुस्लिम घुसपैठी घुसकर आए उनको कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में वोटिंग राइट मिला, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली। यह इसलिए उन्होंने अलाउ किया कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए वो लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। ये इसीलिए बंगाल का जो आसाम में आंदोलन हुआ जो विद्यार्थियों ने किया जी, था जी जी, जिसमें फुकन और ये सब सारे आए थे जी, ये आंदोलन में उनकी वही भावना थी और वो कहते थे कि सभी 100% जो बाहर से है वो आसाम के बाहर जाए। अब प्रश्न ये कि संविधान में हमने ये किया है कि ये सिख होगा हिंदू होगा तो शरणार्थी है जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आएगा, मुसलमान आएगा तो उसके लिए उसका राष्ट्र पाकिस्तान है बांग्लादेश है क्योंकि वो इस्लामिक राष्ट्र है तो उसके लिए दूसरे प्रोविजन है। AIDMK कहती है तो तमिल जो आएगा उसको, देखिए हमने विशेष रूप से श्रीलंका में जब ये संघर्ष हुआ तब वहाँ के आए हुए निर्वासितों के लिए हमने यही भूमिका ली और उनमें काफ़ी लोग हिंदुस्तान में आकर बसे हैं क्योंकि उन लोगों को कहीं जाने का किसी देश में यही नहीं है, मौका ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर श्रीलंका से वो निकले तो क्या बांग्लादेश उनको आश्रय देने वाला है, क्या पाकिस्तान उनको आश्रय देने वाला है, क्या चीन उनको आश्रय देने वाला है, क्योंकि उनका ओरिजिन, उनका इतिहास, संस्कृति, विरासत, उसके जो रूट्स है वो हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और उन लोगों को हम आधार देना ये मानवता के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर और संविधान के आधार पर पूरी तरह से जस्टिफाइड है। इसको पॉलिटिकलाइज क्यों किया जाता है, झगड़े क्यों लगाए जाते हैं, तो मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, विषय साफ है पर जब कन्विंस करना नहीं आता तो कन्फ्यूज करने की शुरुआत होती है। और कन्विंस तो आपको करना था ना सर, हमने किया भी है कुछ पार्टियां, एक, एक, एक बात को कहते हैं, कुछ पार्टियों का कैपिटल जो है फियर, डर, और उनकी पूरी राजनीति इस बात पर डिपेंड है कि हमारे देश के माइनॉरिटी के मन में जब तक फियर, डर पैदा नहीं किया जाता तब तक उनके पूरे वोट उनको मिलते नहीं, और इसलिए चुनावी राजनीति में फियर और डर पैदा करना ये उनका एजेंडा है, उसके आधार पर डराने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में और BJP के एक प्रमुख नेता के रूप में आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है, जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन। हमने
छह साल में मोदी जी के नेतृत्व में अनेक योजनाएं निकाली, उज्ज्वला निकाली, घर दे रहे, ये दे रहे। मुझे एक उदाहरण बताइए कि हमने देश के मुसलमानों पर अन्याय किया कि गैस के 9 करोड़ परिवार को हमने सिलेंडर बांटे, हमने कहा कि मुसलमान अप्लाई नहीं करेंगे। हम प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दे रहे, हमने कहीं कहा कि मुसलमान अप्लाई नहीं करें। हम रोजगार दे रहे, हमने कहा। कल मैंने कश्मीर में कश्मीर के मुस्लिम महिलाओं के लिए 150 महिलाओं को काम देकर रूमाल तैयार किया और खादी ग्रामोद्योग की ओर से 5 करोड़ रूमाल बना रहे हैं और एक रूमाल 50 रुपये का है। मार्केट में 3 रूमाल ब्रांडिंग 350 करोड़ के हैं, 350 रुपये के हैं, और हमने 150 रुपये में 3 रूमाल देते हैं और कल 2 करोड़ पेटीएम ने खरीद लिए। और इसके कारण 1500 महिला श्रीनगर में जो मुस्लिम महिला है उनको रोजगार दिया और कल मैंने उनकी मजदूरी भी बढ़ा दी। एक महिला 80 रूमाल बनाती है तो मैंने कहा 2 रुपये नहीं 3 रुपये करो, यानी 240 रुपये उन महिलाओं को श्रीनगर बारमुल्ला उस वहां सब पूरा काम चल रहा है। और मैंने कहा इसको 5000 महिलाओं को काम, इसीलिए नितिन गडकरी है क्योंकि वो थोड़ा सा अलग अलग। मैं केवल एक छोटा सा बात पूछना चाहता हूं कि नितिन गडकरी बीजेपी वाला है, आरएसएस वाला है, सरकार हमारी है, मोदी जी की है, फिर वो श्रीनगर की 1500 महिलाओं को जो गरीब है उनको काम देने के लिए प्रोजेक्ट शुरू करके भारत सरकार का पैसा खर्चा करने की जरूरत क्या? अगर हमारी नीयत खराब होती, अगर हम मुसलमानों के खिलाफ होते, अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करते, हम मुसलमानों का द्वेष करते, तो हम ये वेलफेयर का काम उनके लिए गरीब है? देखो तो गरीब गरीब होता है, गरीब तो गरीब हिंदू है, मुसलमान सवाल नहीं, वो भारतीय है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम तो कोई कहते हैं कि फिर क्यों नहीं आप वहां से इंटरनेट सेवाएं बहाल करते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर बंद है उनको रिहा करते हैं, तो चीजें नॉर्मल हो ना। देखिए सर, वहां का प्रशासन वहां की परिस्थिति को देखकर इसके बारे में जल्दी से जल्दी उचित निर्णय करेगा, ये अधिकार उनका है। परिस्थिति एक है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अब वहां के राज्य की जिम्मेदारी है और इसलिए उस समय भी धीरे धीरे परिस्थिति नॉर्मल हो, स्कूल कॉलेजेस खुले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी की। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, आप इस होटल में बैठे हो, ये होटल वाला जो है ITC, इनके पास कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है पर ये जम्मू कश्मीर में है, ये होटल नहीं डाल सकते हैं क्योंकि जमीन नहीं खरीद सकते हैं। अब IIT खोलनी है हमको, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने हैं, तो जमीन नहीं खरीद पाएंगे तो कैसे खुल पाएंगे? हम स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं। अब मैं पश्चिमा वो जो शाल बनती है उसके कपड़े को मैं विशेष रूप से MSME में एक स्पेशल पैकेज कश्मीर के लिए कर रहा हूँ। कश्मीर में हमने हनी को लिए, जो हाई एटीट्यूड का हनी है उसकी योजना बना रहा हूँ। तो मेरा आपको कहना यही है कि हम लोग धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, पंथ के आधार पर और सेक्स के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और हमारी नेता, हमारी सरकार किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करती नहीं, सर बिल्कुल नहीं कर। ये जब आप कहते हैं, बार बार कहते हैं, तो यही चीज जो है बार बार जब आप कहते हैं कि हम किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते मुसलमानों को लेकर, कोई नहीं, लेकिन ये चीज जो है दूर क्यों नहीं हो पा रही है? ये सिर्फ अफवाह है या कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, व्हेन इट इज डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू कन्विंस, द बेस्ट स्ट्रेटजी इज कन्फ्यूज। और ये देखो, मैं कुछ पार्टियों का एजेंडा क्या है, जिन पार्टियों को 50 साल देश में राज करना करने का मौका मिला उनने मुसलमानों को क्या दिया? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर, ये 4 धंधे के सिवा 5वां धंधा नहीं दिया। अब्दुल कलाम साहब हमारे आइकॉन है, वो मुसलमान है, इसलिए हम उनको कभी ये नहीं सोचे। अब्दुल कलाम साहब को पूरा देश आदर के ओर से देखता है, मैं उनको उनकी किताब पढ़ता हूँ, मैं उनके विचार सुनता हूँ। और उन्होंने क्या कहा कि देश का विकास होना चाहिए, विकास यानी हिंदुओं का विकास नहीं, सबका विकास होना चाहिए। लेकिन माफ करिएगा नितिन जी, वही जो जिसके लिए आपने किया, जिसको आप अपना आइडल बता रहे हैं, वो तमाम सारी बातें, लेकिन वो आपके विरुद्ध सड़कों पर है इस समय। आप इसी बात को समझ लीजिए, उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है जो वोट बैंक का पॉलिटिक्स करते हैं और जिनको भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटाना है, उनका एजेंडा यही है कि मुसलमानों के सामने डर पैदा करो।
वो कहे देखो मोदी आया है तुमको कटवा देगा, पाकिस्तान भिजवा देगा, तुमको देश से बाहर निकल देगा, तुम्हारे घरदार छीन लेगा, बचना है तो हमारे साथ आओ। वो डर पैदा कर रहे हैं और ये डर पैदा करके लोगों को भड़काने का काम कुछ फोर्सेस कर रहे हैं, उसका ये परिणाम है। मैं फिर से एक बार आपके प्लेटफॉर्म से माइनॉरिटी के समाज के सभी भाई और बहनों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारे नेता, हम आपके विरोध में नहीं है। जो 47 से इस देश में रह रहे हैं वो हमारे परिवार के अंग हैं, भारतीय है, हमारे उनसे कोई टकराव नहीं। पर मैं अब आपको और उनको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान से इलीगली दिल्ली में आकर बैठेंगे, बांग्लादेश से आकर आसाम में आकर बैठेंगे, मुंबई में आकर बैठेंगे, तो क्या उन लोगों को जो इलीगल मार्ग से देश में आए हुए हैं, क्या उनको हमने वोटिंग राइट देना चाहिए? क्या हमने उनको प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार देना चाहिए? क्या हमने उनको देश का नागरिक बनाना चाहिए? क्या हमने उनको विधानसभा लोकसभा में जाने का अधिकार देना चाहिए? आखिर ये लोग कांग्रेस पार्टी कहना क्या चाहती है? क्या हमारे देश में घुसे हुए विदेशियों को देश के बाहर नहीं निकलना चाहिए? एक बार कांग्रेस पार्टी साफ लोगों के सामने कहे कि पाकिस्तान से और बांग्लादेश से जो इलीगल इस देश में घुसे हुए हैं उनको देश का नागरिकत्व देना चाहिए, उनको देश में प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार देना चाहिए, उनको वोटिंग राइट, ये साफ क्यों नहीं कहती है? एक बार दूध का दूध और पानी का पानी होने दो। हम किसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है जो इस देश में बसे हैं या आज यहां रह रहे हैं, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हम उनके खिलाफ नहीं, उनके खिलाफ है ही नहीं ये बिल, ये विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ है और जानबूझकर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लोगों को गुमराह करके उनको भड़काने की बात चल रही है। मैं आपके मार्फत हम मुस्लिम भाई बहनों को आह्वान करता हूं कि इनके ट्रैप में मत फंसिए। एनआरसी को और जब आप जोड़ देते नागरिकता बिल को और लोग देख के लोग देखना चाहते हैं, मैं इस बिल पे आऊंगा लेकिन मैं इस सवाल पे बात करूंगा, लेकिन आपसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ चलता हूं। और एक प्ले कार्ड है जिसमें एक तरफ यस लिखा है और एक तरफ नो लिखा है। जिस सवाल को आप सोचते हैं ये यस है तो उस तरफ आप प्ले कार्ड उठा दीजिएगा यस, और अगर लगता है ये नो है इसका जवाब तो आप उसको दूसरी तरफ कर दीजिएगा। प्ले कार्ड में मंगवाना चाहता हूं जी। थैंक यू। यस और नो, दो ऑप्शन है। पहला सवाल ये है कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, हाँ या ना? देखिए ये ऐसे एस और नो में ऐसे इसके जवाब नहीं दिए जाते, ये लोकतंत्र है। क्योंकि तो पूरी आपकी तो लड़ाई थी। नहीं, क्या होता है आप मीडिया में डबल ढोलकी बजाते हैं। मैं तो खुले आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं, आप मेरे एक वाक्य का एस कह के उसके 10 इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से करोगे तो मैं आपको कोई न्यूज नहीं दूंगा। हाँ। और ऐसे एस नो के ट्रैप में फंसूंगा नहीं। तो आप पहली बात आप समझ लीजिए कि हर विचारधारा को, हर व्यक्ति को, हर जात पंथ धर्म भाषा बोलने वाले व्यक्ति को लोकतंत्र में बसने का अधिकार है। कांग्रेस एक विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। और आपको पता नहीं होगा, मैं जब ये विजय गोयल जी को पता है, मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना तो मैं ये कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में गया था जी, और हमारे नागपुर से एबी बर्धन, हाँ, ये कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, बहुत ईमानदार थे, विद्वान थे और मैं उनको आइकॉन के रूप में मानता था। और मैं पहले से मेरे ऊपर उनका मेरे ऊपर भी बहुत प्रेम था जी। मैं आरएसएस वाला हूँ, हाँ, वो कम्युनिस्ट हैं, पर प्रेम था तो, हाँ, लेबर लीडर। तो मैं उनको मिलने के लिए कार्यालय में गया, उनके मैंने पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। देखो मतभिन्नता हो सकती है, मनभेद नहीं होने चाहिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी। सवाल का जवाब मिला, कांग्रेस की जरूरत है। इसलिए कांग्रेस को और कांग्रेस की विचारधारा से देश को मुक्त करना, इसका मतलब जो है वो ये था कि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी के बजाय हम दूसरी पार्टी का ऑप्शन को चुने और उसको सरकार बनाने का अवसर दे, ये उसके पीछे का भाव था। किसी पार्टी को पूरा देश में खत्म कर देना, उनका पूरा विचारधारा कोई खत्म कर दो, उनको सबको देश से हटा दो, ये उसके पीछे भावना नहीं है। दूसरा सवाल, अजित पवार बेवफा हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप क्यों कह रहे हो। देखो अजित पवार मेरे 25 गुंजाइश है अभी हाँ अभी गुंजाइश है देखो
गुंजाइश है कि नहीं है, ये आप और मेरे कहने से कुछ नहीं होता। राजनीति में मैंने एक बार कहा था, अरे किसी में तो हाँ और ना उठा दीजिए, नहीं ये मैं ऐसा करूंगा नहीं। देखो आप लोग राजनीति वालों के कहते हो, आप मेरा इंटरव्यू लेते लेते समाप्त तो हो जाएगा और दूसरे चैनल में आप ज्वाइन हो जाते हो नया पैकेज लेकर। उसको क्यों नहीं पब्लिश करते हो? अरे तो खूब बोलते, ऐसे चेहरे बदलते, आज दिखता यहां, कल वहां, कल परसों वहां। जब तुमको पैकेज मिलता है तो तुम चार चैनल बदलते हो, तो कोई लोग अपनी पार्टी भी बदलता होगा। क्या बात है, ठीक है जवाब मिला। अच्छा जवाब है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं जी, जी। मैं व्यक्तिगत मेरे दो मत रखता हूं। एक तो एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स, ये मैंने कहा था जिसपे काफी चर्चा हुई थी। दूसरी बात मैंने कहा था कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कंपल्शन एंड लिमिटेशन। और तीसरी बात मैं कहता हूं जिसके लिए आपसे सहयोग चाहिए, इस देश में विचार भिन्नता ये समस्या नहीं है, विचार शून्यता ये समस्या है। ये बात मैं एक बार कुएं में कूदूंगा पर मैं कांग्रेस में कभी नहीं जाऊंगा। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई आइडियोलॉजी, माई कन्विक्शन। और इसलिए जो भी पार्टी हो, जो भी विचारधारा हो, उससे ईमानदारी से चिपक के रहना, ये लोकतंत्र में इसका महत्व है। ये सत्ता में आया तो उस पार्टी में घुस जाओ, वो सत्ता में आया तो उस पार्टी में घुस जाओ। ऐसी जो विचार शून्यता वाले लोग हैं उनसे देश ने बचना चाहिए। और नितिन जी मैं भी कहीं नहीं जाने वाला, मैं भी ये रहने वाला हूं। तीसरा सवाल, तो आप चैनल छोड़ेंगे नहीं? नहीं नहीं, नहीं, नहीं। तीसरा सवाल, यहां से तो यही कहना चाहिए ना। तीसरा सवाल, शरद पवार राजनीति के चाणक्य हैं? देखो शरद पवार अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और उनको जब 75 साल हुए हैं तो उनका एक बहुत बड़ा सत्कार हुआ था ऑल पार्टी, मैं उसका चीफ गेस्ट था। अच्छा, तो मेरा भाषण अभी परसों भाषण फिर से यूट्यूब पर शुरू हुआ, तब मराठी में है। शरद पवार ये बहुत कद्दावर नेता है, अनुभवी नेता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का उनको काफी अच्छा नॉलेज है और ग्रास रूट पर उनकी रिलेशनशिप है। उनका प्रॉब्लम ये है कि उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जो है वो कब क्या निर्णय कर सकते हैं ये उनके घर वाले लोग भी नहीं बता सकते। लेकिन अभी आपने कहा था ना कि विचार शून्यता नहीं होनी चाहिए, विचार बहुत महत्वपूर्ण, तो ये यस हो सकता है ना? नहीं नहीं, अच्छा नहीं, वो उनके अपने विचार है। और मैं क्यों उनके ऊपर ये कहूं कि वो चाणक्य नहीं है? देखिए ये ऐसा कौन व्यक्ति है जो 100% परफेक्ट है? नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी, यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज। और इसलिए हर आदमी के कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। अच्छा, इस पे तो आपको यस और नो बोलना ही पड़ेगा। नहीं, मैं आपके यस और नो में फंसूंगा ही नहीं। ये चौथा सवाल है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? आपको न हिंदू का अर्थ मालूम है, न हिंदुत्व का अर्थ मालूम है, न हिंदू राष्ट्र। अच्छा, हर चीज में आप उसको एक्सप्लेन ही करेंगे, बताइए तो यस और नो। गलत नो कह दीजिए, आप गलत कर रहे हो। ये इतना शब्द यूज नहीं करना चाहिए, इतना चिल्लरवाड़ा हुआ है कि आप ऐसे शब्द यूज करते हो जैसे कोई हिंदी पिक्चर का कोई डायलॉग हीरो फेंक रहा हो और हीरोइन बात करे इस टाइप में। हिंदू क्या, हिंदुत्व क्या? देखो हिंदू ये जीवन पद्धति है, ये नितिन गडकरी ने कह रहा है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा है कि इट इज ए वे ऑफ लाइफ। दूसरा, संस्कृति सब की एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। अब इस देश का मुसलमान जब मक्का मदीना में जाता है तो वहां का मुसलमान कहता है हिंदी हिंदी आया। इस देश के मुसलमान को भी वर्ल्ड में जाने के बाद हिंदुस्तानी कहते हैं, तो हिंदुस्तानी का मतलब क्या होता है? क्या वो हिंदू है? आप देखो, आप सब शब्दों के गलत अर्थ लगाकर लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करते हो। हिंदू राष्ट्र यानी केवल हिंदुओं का नहीं, हिंदू राष्ट्र यानी भारत राष्ट्र, भारत और हिंदुत्व यानी सभी जात पंथ धर्म भाषा, जो लोग हिंदुस्तान को अपनी मदरलैंड मातृभूमि मानते हैं वो सब हिंदू है, वो सब भारतीय है, वो सब इंडियन है और हम सब एक है। दिस इज द फीलिंग। अच्छा चलिए, ये सवाल आपको शायद सहज लगे, सरल लगे, चौटाला परिवार ईमानदार परिवार है? मैं किसी को ईमानदार और ईमानदार नहीं होने का सर्टिफिकेट देने का अधिकार मुझे किसी ने दिया नहीं है, मैं इस लबड़े में नहीं पड़ता। तो छठा सवाल पढ़ूं या छोड़ दूं?
क्या पढ़ू छठा सवाल? आपको पढ़ने का अधिकार है, मुझे जवाब क्या देना मेरा अधिकार है। छठा सवाल है तो वैसे बहुत अच्छा, आप इसके बाद मेरे पास एक सरप्राइज है, या तो सरप्राइज ले लीजिए या छठा सवाल ले लीजिए, बोलिए। नहीं नहीं आप जो पूछने पूछे। नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? सर मैं कोई प्रधानमंत्री बनने का मेरा एजेंडा नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने राजनीति अपने एजेंडा पर अपने हिसाब से की। मैं लाइफ में मैंने मेरा बायोडाटा किसी को दिया नहीं, मैं कोई पद मांगने के लिए किसी पास गया नहीं, और मैं दिल्ली में कभी आया नहीं। मुझे ये होटल के सामने वाला सीधा रास्ता एयरपोर्ट का इतना ही मालूम रहता था जब मैं दिल्ली आया। और कल ही मैं बता रहा था कि मैं जब पहली बार बीजेपी का अध्यक्ष बनकर आया, थोड़ा मोटा था, मेरा वजन ज़्यादा था, तो मुझे पता ही नहीं कि दिल्ली में ठंड होती है, तो मैं हाफ स्वेटर पहन के, और ऐसी आज की जैसी ठंडी थी, तो मेरे साइज का कोट पहनने के लिए मुझे सबने आग्रह किया, इनको याद होगा विजय जी को, तो जो गार्ड था वो मेरे मोटे साइज का था, उसका कोट पहनकर मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो मैंने अपने जीवन में एक बात रखी कि रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। और जो सेकंड बात मैंने रखी है जो इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए और मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं, मैं समाज के लिए और देश के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए आया हूं, और वो काम देश के लिए करना यही मेरा मिशन है। मैं कोई पद का दावेदार नहीं हूं, और ना मैं कोई क्लेम करता हूं, ना कोई मेरी इच्छा है। थैंक यू। ना मेरे को कोई सपोर्ट किसी के इसके लिए चाहिए। सर सरप्राइज अब आपके सामने आएगा, प्लीज वेट करते हैं थोड़ा।